इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे टू वाट मीटर मेथड ऑफ थ्री फेज पावर मेजरमेंट ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स इलेक्ट्रिक पावर पर वर्क करता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है जो पावर सप्लाइड होता है उसका मेजरमेंट यूजुअली वाट में होता है जिसको वाट मीटर से मेजर करते हैं वाट मीटर को डिफ्लेक्शन मीटर बोलते हैं जिसका यूज मेनली इलेक्ट्रिकल लैब्स में करते हैं जो कि पावर को ओनली वाट के टर्म में ही मेजर नहीं करता है बल्कि किलो वाट्स एंड मेगा वाट्स के टर्म में भी मेजर करता है वाट मीटर यूजली दो कॉयल से मिलकर कंसिस्ट होता है करेंट कॉयल जो कि जनरली लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है एंड वोल्टेज कोयल और पोटेंशियल कोयल टू वाट मीटर मेथड का जो अप्लीकेशन है वो थ्री फेज पावर मेजरमेंट के लिए किया जाता है एज यू कैन सी इन द डायग्राम दोनों वाट मीटर का जो करेंट कॉयल है थ्री फेज वायर के दो लाइन टर्मिनल से कनेक्ट है दैट इज़ आर एंड वाई एंड दोनों वाटर मीटर का जो प्रेशर कॉयल है और वोल्टेज कॉयल है उसको उस फेज के साथ कनेक्ट किया गया है जिसके साथ करेंट कॉइल कनेक्ट नहीं है सपोज वोल्टेज इन ऑल थ्री फेज वायर्स दैट इज वी आर वी वी एंड वी वाई इसमें करेंट को भी डिनोट कर देंगे दैट इज़ आई आर आई वाई एंड आई इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि वाट मीटर वन और वाट मीटर टू का जो समेसन है वो थ्री फेज पावर के इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस वाट मीटर वन इज इक्वल टू भी आर माइनस भी बी उसी तरह वाट मीटर टू में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको यहाँ पे देखेंगे भी वाई माइनस भी एंड इंस्टेंटेनियस पावर इन वाट मीटर वन इज इक्वल टू आई आर इन टू आर माइनस बी उसी तरह वाट मीटर टू के लिए लिख लेंगे दैट इज आई वाई इंटू वी वाई माइनस भी बी ना वाट मीटर वन एंड वाट मीटर टू का जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐड कर देंगे डब्ल्यू वन प्लस डब्लू टू इज इक्वल टू आई आर इंटू वी आर माइनस भी बी प्लस आई वाई इंटू वी वाई माइनस भी बी सो डब्लू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू आई आर इंटू वी आर हो जाएगा प्लस आई वाई इंटू वी वाई माइनस भी बी इंटू आई आर प्लस आई वाई यहाँ पे पॉजिटिव वालों को मैंने एक साइड रखा है एज वी नो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इज इक्वल टू जीरो होता है यहाँ पर माइनस भी बी को प्लस आई बी से रिप्लेस करेंगे सो वी कैन राइट डब्लू वन प्लस डब्लू टू इज इक्वल टू आई आर वी आर प्लस आई वाई वी वाई प्लस भी वी इंटू आई बी सो डाइग्राम में आप देख सकते हैं आई आर वी आर इस फेज से फ्लो कर रही है आई वाई वी वाई इस फेज से फ्लो कर रही है एंड आई वी वी टू फ्लोइंग थ्रू दिस फेज इसको पावर के टर्म में इस तरह लिख सकते हैं डब्ल्यू वन प्लस डब्लू टू इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इज इक्वल टू थ्री फेज पावर सो यू कैन राइट डब्लू वन प्लस डब्लू टू इज इक्वल टू थ्री फेज पावर जो कि हमें प्रूव करना था एडवांटेज ऑफ टू वाट मीटर मेथड इस मेथड से बैलेंस एंड अनबैलेंस दोनों टाइप का लोड बैलेंस हो सकता है स्टार कनेक्टेड लोड में इट इज़ ऑप्शनल टू कनेक्ट न्यूट्रल पॉइंट एंड वाट मीटर एंड इन डेल्टा कनेक्टेड लोड कनेक्शन नीड नॉट बी ओपन टू कनेक्ट वाट मीटर टू वाट मीटर मेथड के हेल्प से थ्री फेज पावर को हम लोग मेजर कर सकते हैं एंड बैलेंस लोड कंडीशन में पावर एंड पावर फैक्टर दोनों डिटरमाइन हो सकता है यूजिंग टू वाट मीटर मेथड टू वाट मीटर मेथड जो है वो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं होता है टू वाट मीटर मेथड जो है इसका यूज पावर कंजप्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को मेजर करने के लिए एंड उसके पावर रेटिंग को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट वन इज वाट इज वाट मीटर वाट मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए यूज में आता है वाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर पावर को हम लोग वाट मीटर के हेल्प से मेजर करते हैं इन रेंज ऑफ वाट्स किलो वाट्स एंड मेगा वाट्स सो ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वाट इज बैलेंस कंडीशन इन थ्री फेज टू वाट मीटर सो थ्री फेज टू वाट मीटर जो है बैलेंस लोड कंडीशन पर तब बोलेंगे अगर इच फेज में जो करेंट है फेज वोल्टेज के साथ फाई एंगल से लैग करेगी व्हाट इज द पावर इक्वेशन ऑफ थ्री फेज टू वाट मीटर सो द पावर इक्वेशन इज गिवेन एज पी इज इक्वल टू रूट थ्री भी एल आई एल कोस फाई व्हाट इज द रिएक्टिव पावर इक्वेशन ऑफ थ्री फेज टू वाट मीटर मेथड द रिएक्टिव पावर इज गिवेन एज पी आर इज इक्वल टू रूट थ्री एंड टू वन माइनस डब्लू टू जब इलेक्ट्रिक सप्लाई इक्विपमेंट्स के अक्रॉस दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज रहता है उसमें एनर्जी डिसिपेट होता है कंज्यूम होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं दैट इज वाट मीटर थ्री फेज सर्किट में थ्री फेज पावर को हम लोग थ्री मेथड्स के हेल्प से मेजर कर सकते हैं दैट इज़ वन वाट मीटर मेथड टू वाट मीटर मेथड एंड थ्री वाट मीटर मेथड यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम है लैगिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है इस आई करेंट का दो कंपोनेंट होगा एक ये वाला होगा दैट इज़ आई कोस फाई एंड एक यहाँ पर होगा आई साइनफाई जो आई कोसफाई है वो वो वोल्टेज के वो 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 साथ फेज में रहता है एंड एंड आई कोसफाई के कारण ही सर्किट जो है वो पावर को कंज्यूम करता है इसको एक्टिव पावर बोलते हैं एंड आई साइनफाई जो है वो पावर को कंज्यूम नहीं करता है इसलिए उसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं एंड जो पावर फैक्टर है फाई एंगल पर डिपेंड रहता है आई साइन फाई रिएक्टिव कंपोनेंट होता है इसका वैल्यू अगर कम होगा मतलब फाई एंगल कम होगा एंड फाई एंगल कम होने का मतलब है पावर फैक्टर कम हो जाएगा इसलिए इसलिए इस डिपेंडेंट कंपोनेंट बोलते हैं इसके कम या ज़्यादा होने से ही पावर फैक्टर वेरी करता है मतलब फाई कम होगा तो आई साइन कम होगा एंड जो पावर फैक्टर है वो इंक्रीज होगा पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम वन तक इंक्रीज हो सकता है जब पावर फैक्टर वन होता है तो उसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं एंड जब भी पावर फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ ये भी लिखना होता है लीडिंग पावर फैक्टर है या फिर लैगिंग पावर फैक्टर है अगर पावर फैक्टर ट्रैंगल की बात करें तो इसमें जो भी आई है वो मेन पावर है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इसका दो कंपोनेंट होता है वी आई कोस फाई एंड वी आई साइन फाई वी आई कोसफाई एक्टिव कंपोनेंट होता है एंड वी आई साइनफाई जो है वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है एंड जो मेन पावर है उसको अपेरेंट पावर बोलेंगे सर्किट में एक्चुअल में जो पावर यूज़ होता है वो एक्टिव पावर है एंड रिएक्टिव पावर जो है इसका सर्किट में कोई यूज़ नहीं होता एंड रिएक्टिव पावर जितना कम होगा सर्किट का पावर फैक्टर उतना ज़्यादा होगा मतलब अच्छा होगा अगर किसी मशीन में पावर फैक्टर लो रहेगा मतलब उस मशीन में पावर लॉस ज़्यादा होगा एंड एफिशिएंसी कम होगी इसलिए हम लोग ऑलवेज कोशिश करेंगे कि जो रिएक्टिव पावर है वो कम से कम हो तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें